सिद्ध बलि मंदिर के द्वार पर आ चुके हैं। और यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ेंगे इस तरह से और फिर जाएंगे मंदिर। ठीक, अब बाद में बात करते हैं। ठीक है, चलो चलो चलो। ये मोहित भैया स्पीड में चलते हुए अभी तक थके नहीं है। बस हम पहुंच गए। नहीं, आज स्टार ना ज्यादा है यार, मोहित भी वाकई है नहीं, वाकई ज्यादा है भाई। जैसे उम्र बढ़ रही वैसे स्टार ना बढ़ा बेटा। हाँ, चलो स्टार्ट नाउ। जाओ यार कोमल, तुमसे कह रहा था मैं निकला, एक बार फोड़ दिया भैया। चलो ललित, शाबाश, ये देखो ये देखो ऐसा बिखर जा, इसलिए ज्यादा तेज सर हमारा था भैया। अब इंडियन आर्मी का जवान है बंदा। उस दिन भैया मेरा साथ भी काम हुआ। जितेंद्र चलो। हो गया काम। उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम डुबो दिया तुमने ना, देखो अलग ही रख दिया हिसाब से तो। यूपी पुलिस तरीके से जब से काम करने लगी, जब से बाबा जी की सरकार आई है योगी जी की, सरकार किसी और किसी अपना तरीका है ना, फूट गई बस। और ये भेली होती है जो गुड़ की भेली चढ़ती है ऊपर प्रसाद के रूप में। लाओ, अच्छा चलो बस बता रहा हूँ। वीडियो चल रही है। हां चल रही है, रात में की बात हो रही है। वो चक्कर आ रहा है भैया, हम तो बहुत जल्दी मिलने में शुरू हो, मुझे तो मिलने ही है। तो हमसे पैर निकल जाओ क्या, पानी से पैर निकल जाओ। लेकिन आज जितेंद्र जितेंद्र हां मैं देख लो भी लोग नहीं मानते, बताओ क्या समझदार है भैया। हम लोग आ चुके हैं सिद्ध बलि मंदिर उत्तराखंड कोटद्वार। जय सिद्ध बलि बाबा, जय बालाजी महाराज, जय बजरंग महाराज। ये देखो आप इन लोगों की कलाकारी, हवा चल रही है बहुत तेज, लेकिन जितेंद्र कह रहा है जलाएंगे जरूर। दिखाता हूँ मैं, देखो कर क्या रही है। आप बेटा जला कर दिखाओ, तुम आज मुझे लो जलाओ, जलाओ भी जलाओ, तुम्हारी कलाकारी देखता हूँ आज, जलाओ तो जल जलाओ भैया, इतनी तेज हवा चल रही है। हाँ ललित की तो चल गई भाई, तो मेरे पास एक तरीका हो रहा है, पूरी माचिस मांग लगा के भी जला दूं। इतनी तेज हवा है कि जैसे ही आप माचिस जलाएंगे तुरंत बुझ रही है वो। इसका मुंह भी आधा जल गया।
जितेंद्र भाई मुझे अब कोमल मैदान में उतरा। अब ये कह रहा है कि मैं चलाऊंगा। जितेंद्र भाई मुझे दो। अब ये कोमल जी मैदान में उतरे हैं, हमारी हवा के बीच में जला रहे हैं धूप बत्ती। ये जब हवा चलने वाला होगा बता दियो। मचाली भाई जल्दी। हाँ फर्स्ट अटैम्प। जलाली भाई जलाली। नहीं थोड़ी थोड़ी एक और थोड़ी थोड़ी और लगा दूँ। चला गया यार की बात पे। क्या बात कर रहा हो यार। जलाली भी जलाई जला चलेगी वो भाई। जला दी लड़कों ने। जला दी भाई। जला दी। वेल डन वेल डन माय बॉय। और ये देखिएगा सिद्धवली मंदिर से नीचे का ये जो नदी है इसका नाम है खो। और बरसात में बहुत वेग से पानी बहता है। यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही है। और हम लोग हैं शनि मंदिर। ये भी जो है आपका सिद्धवली मंदिर से अटैच है। और सामने बिल्कुल सिद्धवली मंदिर वहाँ होकर आ गए हम लोग। अब हम यहाँ से चलते हैं ताड़केश्वर। और देखिए दो सब्सक्राइबर मिले मेरे यहाँ। आपका नाम? वंश रावत। और आप? अंश रावत। दोनों भाई हो क्या? अंश वंश। अरे हो क्या है लग रहा हो यार लग रहे। चलिए ठीक है ऑल द बेस्ट। ओके सर ओके। जैसे जैसे तो दे दो यार मोहित भैया। कहाँ है लड्डू का वो? अभी दूंगा लड्डू आपको। नियत में मुझे खोट लग रही है। बिल्कुल खराब नहीं है। जैसे जैसे जो है घड़ी की सुई बढ़ती जाएगी यहाँ लोग जो है भीड़ बढ़ती जाएगी उतनी। देख सकते हैं आप हम लोग इसीलिए जल्दी आए थे क्योंकि आज रविवार है और सिद्धवली मंदिर में जो है रविवार के दिन विशेष माना जाता है इसलिए लोग बहुत आते हैं यहाँ पर। और मैं इस समय हूँ शनि मंदिर। सिद्धवली मंदिर के प्रांगण में ही है ये भी मंदिर भी शनि मंदिर भी। और मेरे पीछे जो है खो नदी है ये। और उधर सामने सिद्धवली मंदिर वो। और अब हम लोग यहाँ से जाएंगे ताड़केश्वर। ये वाला ब्लॉग मेरा यहीं कंप्लीट हो जाएगा। आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें शेयर करें कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें आप। कहने की आवश्यकता दोबारा नहीं पड़ेगी मुझे। ठीक है जी डन बाय। हम लोग नीचे चले गए थे। भंडारा तब तक शुरू नहीं हुआ था 8 बज रहे थे। लेकिन ये है ना कोमल देखो ये आदमी है ये नीचे जाके बोला मुझे लग रही है भूख। अब नीचे जाने के बाद में हम दूसरे और ये दूसरी सेकंड शिफ्ट चल रही है भाई साहब की। इसकी भी यार इसकी भी दोनों गिन की है देखो ये एकदम टूट के खा रहा है बिल्कुल एकदम भर के देखो ये। हमने तो दो दो पूरी खाई ये छः छः खा रहे हैं बंदे। और अभी ऊपर उड़ जाएंगे ये फिर गाड़ी में बैठ के पलटी करेंगे ये देखना तुम। ये देखो यहाँ कितना कितना ज़्यादा रश रहता। मैं दिखा दूँ आपको यहाँ ये सब भंडारे वालों की लाइन है ये सारा वहाँ से लेके ये सब लोग भंडारा कर रहे हैं। ये भंडारा खा रहे हैं जो भंडारा होता है सिद्धवली में ये पूरा पूरी की पूरी लाइन पूरी गैदरिंग है यहाँ पे इस तरीके से ये। लेकिन कितनी भी भीड़ है लेकिन सारी व्यवस्थित है एकदम कोई हल्ला गुल्ला नहीं कुछ नहीं। यहाँ सामने से प्रसाद मिल रहा है इनको और सभी इसी तरह से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं यहाँ लोग ये। लेकिन इन दो पेटू आदमियों का क्या होगा इनका पेट तो भर जाना चाहिए। ये भी है दूसरी बार इसका भी नंबर है। इस बच्चे का भी है तीसरी बार ये तीसरी बार लेके भर आए।